हेलो एवरीवन, फिर आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला। आप मुझसे बार बार पूछोगे कि यार क्वेश्चन ही पूछता रहता है खुद, मार्केट में खुद के पास आंसर नहीं है। नहीं, आंसर है, बिल्कुल है। जो मेरा मिशन है आप सबके लिए वो ये है कि मैं आपके माइंड से वो चीज चेंज कर पाऊँ, वो बिहेवियर, वो माइंडसेट, वो साइकोलॉजी डेवलप कर पाऊँ, वो माइंडसेट चेंज कर पाऊँ, वो बिहेवियर डेवलप कर पाऊँ, वो साइकोलॉजी डेवलप कर पाऊँ कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट कि हाँ स्टॉक चूज कर लिए, 12 स्टॉक्स फॉर 12 ईयर्स, 10 स्टॉक्स फॉर 10 ईयर्स, टॉप 8 क्वालिटी स्टॉक्स, टॉप 8 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, ये स्ट्रक्चर से ये स्टॉक्स बिलोंग करते हैं। इस वीडियो में कुछ इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑटो इंडस्ट्री में पॉपुलर स्टॉक है मारुति, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं टाटा मोटर से। एफएमसीजी में एचयूएल, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं आईटीसी से। देन कैपिटल गुड्स में एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एबीबी इंडिया से। ऐसे ही मैंने 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज ली हैं और 10 स्टॉक्स लिए हैं। ये मैंने वीडियो में देखे थे और ये मैंने खुद रिप्लेस करे। सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, काफी अच्छा मार्केट में शेयर होल्ड करते हैं और आपको हर एक दूसरी तीसरी वीडियो में इन स्टॉक्स का नाम दिख जाएगा। बट मेरा आपसे फिर से क्वेश्चन यही है इस वीडियो में, किसी स्टॉक्स के नाम पता करने से या कुछ इंडस्ट्रीज के नाम पता करने से हमारी वेल्थ जनरेट हो सकती है या वो वेल्थ जनरेट करने के लिए एक्चुअली कुछ चाहिए? फिर मेरा वही आपसे क्वेश्चन है, आपसे एक स्टेटमेंट है कि आप कहोगे यार आपको भी तो पता होगा। हाँ मुझे पता है, मैं कहूँगा मुझे पता है क्योंकि मुझे मार्केट ने सिखाया है। बट मैं आपसे आंसर मांगना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि इस आंसर से आपका माइंडसेट या बिहेवियर चेंज होगा कि हाँ स्टॉक मार्केट में एक्चुअली वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? कैपिटल गुड्स, एलएनटी, आपका बैंकिंग एचडीएफसी बैंक, केमिकल्स, पीआई इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी टीसीएस, फार्मा सन फार्मा, पेंट्स एशियन पेंट्स, फुटवेयर रिलैक्सो, रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन 10 स्टॉक्स को और ये 10 इंडस्ट्रीज को मैंने अपने कुछ स्टॉक्स के रिप्लेस करा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एफएमसीजी आपका आईटीसी, कैपिटल गुड्स आपका एबीबी इंडिया, बैंकिंग आपका आईसीआईसी बैंक, केमिकल्स अप्टो लिमिटेड, टेक्नोलॉजी जहाँ टीसीएस था इंफोसिस रखा गया, फार्मा में सन फार्मा था वहाँ डिविस लैब रखा गया, पेंट्स में एशियन पेंट्स था वहाँ बर्जर पेंट रखा गया, फुटवेयर में रिलैक्सो था वहाँ बाटा रखा गया, रिटेल में रिलायंस था वहाँ ट्रेंड रखा गया। एक वीडियो में बताया गया कि ये 10 स्टॉक्स हैं, आने वाले 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो और अच्छी खासी वेल्थ जनरेट आपकी वेल्थ जनरेट करके देंगे। वहीं मैंने आपको बताया कि ये 10 स्टॉक्स मैंने आपको चूज करके दिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करोगे, सेल्स ग्रोथ चेक करोगे, प्रॉफिट ग्रोथ चेक करोगे, डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करोगे, कैश चेक करोगे, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, प्रमोटर होल्डिंग, सब कुछ अच्छा। सिर्फ इतना ही जरूरी है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इनके 10 स्टॉक्स या मेरे 10 स्टॉक्स कौन आपको जल्दी वेल्थ क्रिएट करके देंगे? अगर ये तरीका नहीं है तो फिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा माइंडसेट है जिससे वेल्थ जनरेट होती है स्टॉक मार्केट के अंदर? क्योंकि जो मेरा मिशन है ना वो सिर्फ आपको स्टॉक्स बताना नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स तो आप एक नहीं दो नहीं, ऐसी रोज की 10 वीडियोस आती है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक्स है, इनको लेकर 10 साल 12 साल या इवन स्टॉक्स को 20 साल के लिए होल्ड करके रख दिया जाए और आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट क्रिएट हो जाएगी, वेल्थ जनरेट हो जाएगी। तो फिर से अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सिर्फ ये तरीका है कि स्टॉक्स को वीडियोस में जाके देखो, परचेज करो और होल्ड करके बैठ जाओ, या कोई और तरीका है कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेट करने का?